नेक्स्ट क्वेश्चन 2001 का सवाल है क्वेश्चन से इज अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड हमें दिया हुआ है पॉइंट्स सेवन फाइव मीटर एंड टू मीटर रेस्पेक्टिवली सवाल ये है कि इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी सिंपल सवाल है कि आपका एक नन्ना बालक है जो यहाँ पे बैठ के झूले पे झूल रहा है और ग्राउंड से उसकी मिनिमम हाइट की या मिनिमम हाइट जो दी है दैट इज जीरो पॉइंट सेवन फाइव मीटर और उसके बाद जब ऐसे करते करते वो यहाँ जाता है इस लोकेशन पे तो दिस इज़ आपकी टू मीटर है ना सवाल ये पूछा हुआ है कि उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होएगी ना मैक्सिमम स्पीड हमें पता है कि जब वो यहाँ से जा रहा होगा तो यहाँ पे उसकी वी मैक्सिमम होएगी सो तो यहाँ पे अगर हम कानीटिक एनर्जी उसकी ज़ीरो मान लें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कानीटिक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मान लें तो सारी एनर्जी उसकी कानीटिक एनर्जी होएगी और ये जो डिफरेंस है सो ये टू माइनस सेवन पॉइंट फाइव ये आपका डिफरेंस हो गया वन पॉइंट टू फाइव मीटर तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ जो कानीटिक एनर्जी है वो इस पोटेंशियल में कन्वर्ट होएगी या फिर ये वाली पोटेंशियल एनर्जी इस कान्टिक में कन्वर्ट होएगी सो इसको सिंपल सा हम ये लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी एच और यहाँ से अपनी वी की वैल्यू आ जाएगी सो वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एच और H की वैल्यू यहाँ पे हम 1.25 लिखेंगे 2 या 0.75 नहीं उन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखेंगे है नहीं सो ये हो गया अंडर रूट टू मल्टीप्लाइड बाई टेन मल्टीप्लाइड बाई वन तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी बन जाएगी सो दिस विल बी टेन मल्टी ट्वेल्व पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू सो दिस इज़ अंडर अपनी जो v की वैल्यू है वी मैक्सीम मैक्सीम वो आ गया फाइव मीटर पर सेकेंड सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी फाइव मीटर पर सेकेंड वुड बी द राइट आंसर